व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज अल मासूम मरकज अल मारूफ पपन समोसा सेंटर पे हूँ, जो कि अटक में वाकया है और बिलाल मेडिकल स्टोर के साथ अंदर गली में है, हमाम रोड भी इसको कहते हैं, लोधी प्लाजा में है। बिल्कुल मेरे अंकल हैं पीछे हमारे बैठे हुए हैं, जिनके हाथों के समोसे हम बचपन से खा रहे हैं और आजकल इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो सिर्फ काउंटर पे होते हैं और उनके बेटे जो हैं वो ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं और उन्होंने ये काम संभाला हुआ है। लेकिन मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैंने इनके अंकल के हाथ के बने हुए समोसे भी बहुत अरसा खाए हैं और इनके हाथ के बने हुए समोसे अटक में बहुत मशहूर हैं और दुनिया से लोग आते हैं इनके समोसे खाने के लिए। अभी मैंने अंकल को कहा कि अंकल मैं आपका व्लॉग बना लूँ, तो अंकल कहते हैं मुझे व्लॉग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है मुझे। तो मैंने कहा चलें जी, आपको ज़रूरत नहीं है तो मुझे ज़रूरत है, मेरे चैनल पे आपका व्लॉग आएगा तो इससे मुझे खुशी होगी। तो उन्होंने अपनी मोहब्बत की और मुझे इजाज़त दी, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ साथ समोसे निकलते हुए दिखाएं। अभी अंकल के साथ गपशप भी लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके पास समोसास की कौन कौन सी वैरायटी है। आम दिनों में तो इनके पास, बल्कि अभी भी इनके पास चाट की भी फैसिलिटी है। अगर आप चाट भी लेना चाहते हैं तो आप इनसे चना चाट, दही भले और पापड़ी चाट, या आप इनसे समोसा चाट, ये आपसे ले सकते हैं, आप इधर से आके ले सकते हैं। तो अभी अंकल के साथ बैठते हैं, अंकल से गपशप लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इन समोसों के सफ़र का आगाज कब से स्टार्ट किया है और कब से ये बना रहे हैं समोसे। अच्छा व्यूअर्स, मैं इश्फाक अंकल के साथ हूँ। इन्होंने कहा है कि मेरा नाम तो इश्फाक अहमद है, लेकिन आपने बताना है कि पप्पन अंकल के साथ मैं बैठा हुआ। अभी मैं अपने प्यारे से अंकल पप्पन अंकल के साथ बैठा हूँ और अंकल से गपशप लगाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सफर कहाँ से कब से स्टार्ट किया था। तो अंकल कितना अर्सा हो गया आपको? 1986 से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। और अंकल इस जगह से पहले किस जगह पे थे आप? इधर से और हम तब से अंकल से समोसे खा रहे हैं, मेरे वाले साहब, मेरे बहन भाई सब, हम यहाँ पे अटक में अगर हम हो और हमने किसी किस्म के कोई समोसे लेने हो तो हम अंकल के पास ही आते हैं और अंकल से ही समोसे लेके जाते हैं। तो अंकल किस किस किस्म के समोसे आप बनाते हैं? हमारे पास चिकन समोसा होते हैं, मुझे बताया कि हमारे पास चिकन समोसा होता है, आलू चना समोसा होता है और कीमा समोसे होते हैं। स्पेशल ये स्पेशल समोसा होते हैं और ये घर के मसालों में तैयार हुए हुए होते हैं और इसके लिए जो मसाले होते हैं वो भी आप अपने घर में घर में ये बने बनाए बाकी से मसाले नहीं लेते, ये घर में अपने मसाले तैयार करते हैं। सारी चीजें इनके घर में सब कुछ तैयार होता है, इनकी खवातीन भी इनके साथ पूरी मदद करती हैं और फिर ये शॉप पे तैयार हुए हुए आते हैं और यहाँ पे ये इनको तलते हैं, फ्राई करते हैं और उसके बाद कस्टमर। अंकल अंदाजन दिन में कितने समोसे आपके निकल जाते हैं? और जो समोसे बच जाते हैं उनको फिर आप फ्रिज में रख जाते हैं और अच्छा बचते नहीं है, वो कह रहे हैं बचते, हमारे पास जितने भी समोसे आए वो बचते नहीं है। समोसा बनाती है, बैलेंस है हमारा, ज्यादा ज्यादा खत्म हो गए, ग्राहक वापस चले गए। मतलब जो क्वांटिटी समोसे वो लेके आते हैं वो यहाँ पे बिक जाते हैं, तो इन्होंने कभी ये लालच नहीं की कि ज्यादा लेकर आएंगे तो बच जाएंगे तो फिर इसको हम फ्रीज कर लेंगे या नहीं। नहीं, रोज के रोज नया मटेरियल तैयार होता है, रोज के रोज नए समोसे तैयार होते हैं और रोज के रोज समोसे जब खत्म हो जाते हैं तो फिर ये लोग यहाँ पे खत्म करके ऑफ करके चले जाते हैं। तो अभी भी यहाँ पे पैक हो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ, एक मिनट भैया हमें दिखा दीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये इनके पास ऑर्डर आया है, ये इन्होंने समोसे रखे हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर डाले हैं, अब इसको आप ये पैक करने लगे हैं। और इसी तरह डिफरेंट इनके पास पार्टीज़ के, डिफरेंट अफ्तार पार्टीज़ और डिफरेंट चीज़ जगहों पे इनके पास समोसों के ऑर्डर्स भी आते हैं, तो बस वो ऑर्डर्स पर भी समोसे तैयार करते हैं। तो भजन, आपका नाम क्या है? अभी ये मोहम्मद कामरान भाई के साथ हैं, ये इनके बेटे हैं और ये इस पर समोसा फ्राई कर रहे हैं। ये कुछ समोसा, ये आलू वाले समोसे निकाले हैं आपने? ये वो चिकन वाले समोसे निकाले। अच्छा, ये चिकन वाले समोसे निकाले हैं। ये अब इनके पास कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं, दरअसल अभी अफ्तारी में घंटा डेढ़ है, इस वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन अभी ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ हाफ डन करके रख रहे हैं, कुछ पूरा प्रॉपर डन करके रख रहे हैं। तो भाई जान, आप कब से आ रहे हैं इनके पास समोसे लेने के लिए? ये अभी शुरू किया
तो पहले इनके पास समोसे लेने नहीं आते? आते रहे भाई, आते रहे। अच्छा भाई, तो कैसे लगे आपको इनके समोसे? जबरदस्त समोसे, चिकन वाले सबसे। तो व्यूअर्स, ये जो कस्टमर है इनकी रिकमेंडेशन पे अटक वाले जो है वो चिकन वाले समोसे लाजमी ट्राई करें। अच्छा व्यूअर्स, ये इनका नंबर भी लिखा हुआ है, अगर किसी ने फ़ोन पे ऑर्डर प्लेस करना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपने बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है तो उनको एक दिन पहले आपने इन्फॉर्म करना होगा, और रूल्स वही हैं कि कुछ ना कुछ पेमेंट आपको इनको एडवांस देनी पड़ेगी, तो आपका अगले दिन ये ऑर्डर तैयार करके भी रख सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं ज़रा शाहिद भाई हैं, ये हमारे ये भी अंकल के बेटे हैं, इनके साथ भी गपशप लगाते हैं, बेचारे पसीने में भरे हुए हैं। अभी हमने स्पेशल इनसे रिक्वेस्ट करके मास्क को तोड़वाया है। शाहिद भाई, आपने ये काम कब से संभाला है? मैंने सर की ये हमारे साथ स्कूल जब पढ़ता था तो थोड़ी हेल्प कराता था। ठीक है, फिर दसवीं जब मैंने पास की उसके बाद फिर मैंने वाले साहब। कितना अर्सा हो गया तकरीबन? ये सर 93-94 के अंदर मैंने ये अंदर तक काम कराना शुरू किया है। शाहिद भाई का कहना है कि 93-94 में अपने वाले साहब के साथ मदद करवाना शुरू की और 2006 में इन्होंने ये पूरा मुकम्मल काम टेक ओवर कर लिया था अंकल से। तो अब अंकल हमारे पप्पन अंकल जो हैं वो आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बस इनकी सुपरविजन करते हैं, क्योंकि अंकल का मानना ये है कि वो घर बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो वो आते हैं यहाँ पे, आके इनकी सुपरविजन करते हैं, इनको लुक आफ्टर करते हैं, इनको गाइड करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे इनका भी है मटेरियल, इनका भी बहुत अच्छा होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी में कभी भी इन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि चिकन समोसा किस तरह दर्जन है आपका? ये सर हमारा 600 रुपए दर्जन। तो पर समोसा क्या पड़ गया? 50 रुपए का। और आलू वाले समोसे किस तरह? 240-220 रुपए। ठीक है, और कीमे वाला समोसा 600 रुपए दर्जन। अच्छा व्यूअर्स, अटक के लोगों को और अटक से बाहर ऐसे लोग जो अटक आए उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि ये लोधी प्लाजा में अलमासूम मरकज है, पपन समोसा सेंटर, उन पे आएँ और इनके समोसे एक बार लाजमी ट्राई करें। मैं इनसे अब कल समोसे लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में अफ्तारी का तमाम बंदोबस्त आज का हुआ हुआ है। तब मैं आज इनको रिक्वेस्ट करके जाऊंगा और कल इनसे मैं अपने समोसे इनसे लेके जाऊंगा। तो व्यूअर्स, अज़र रब्बानी को आखिर में इजाज़त दे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डाले, आपके खानों में लज्जत डाले। एक बार आप लोगों ने यहाँ पे आके समोसे इनके लाजमी खाने हैं। और अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।